नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद के भट्टू के उप तहसील कार्यालय में व्यापक समस्याओं से क्षुब्ध क्षेत्र के वकीलों व आम लोगों ने आज जन अधिकार मंच के बैनर तले उप तहसील कार्यालय के बाहर धरना दिया और नारेबाजी कर रोष प्रकट किया। लोगों ने उपायुक्त को समस्याओं के संबंध में ज्ञापन भी सौंपा और उप तहसील में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होने के भी आरोप जड़े। धरनारत लोगों ने बताया कि उप तहसील में 18 गांव लगते हैं और सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, वीरवार और शुक्रवार को रजिस्ट्रेशन का काम होता है, परंतु यहां का सर्वर यहां से काफ़ी दूर BDPO कार्यालय में लगाया गया है, जिससे अक्सर सर्वर ठप होने से रजिस्ट्री में अन्य कामकाज नहीं हो पाता। साथ ही उन्होंने बताया कि पड़ोस में ही बिजली घर होने के बावजूद उप तहसील कार्यालय को ग्रामीण फीडर से जुड़ा हुआ है, जिस कारण यहाँ अक्सर बिजली गुल रहती है। बिल्डिंग देखभाल न होने के कारण खस्ता हाल होती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नायब तहसीलदार वे कर्मचारी काफ़ी लेट आते हैं, जिस कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि यहां पर शौचालय और सफाई कर्मचारी तक की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जिन समस्याओं को दूर नहीं किया गया तो वे बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। और इसी के साथ देखते रहिए पलपल की विशेष रिपोर्ट। उप तहसील के ऊपर जो हमारे सभी वकील साथी हैं और आम जन है और जन अधिकार मंच के नेतृत्व में यहाँ धरना दिया गया है। उप तहसील के अंदर जो भी कर्मचारी हैं, चाहे नायब साहब हैं, जो इनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, वो समय पर कभी भी नहीं आते। मन मर्जी के मालिक है, कोई 11 बजे आता है, कोई 12 बजे आता है। अब भी आप देखिए कि यहाँ तहसीलदार 12 बजे से ऊपर का समय हो रहा है और सैकड़ों के लगभग हमारी माताएँ बहनें आमजन जो है यहाँ अपने रजिस्ट्री से ताल्लुक और कामों के लिए आए हुए हैं, लेकिन उनको इस बात की कोई चिंता नहीं है। तीसरी बात यह है कि इसके अंदर अगर आप अंदर घुसोगे तो हम तो ये सोचते हैं कि ये कर्मचारी भी कहाँ जो है शौच शंका के लिए कहाँ जाते हैं, ना यहाँ कोई शौचालय, ना यहाँ कोई पेशाब करने की जगह। चलो आदमी तो इधर उधर फिर भी अपना कहीं जा सकता है, लेकिन जो औरतें आती है दूर दराज से, उनके लिए अगर कोई यहाँ दिक्कत होती है शौचालय के लिए, तो उनके लिए कोई शौचालय भी नहीं है। जबकि मोदी जी कह रहे हैं भाई पूरा भारत स्वच्छ हो गया, 4 करोड़ 5 करोड़ बोले शौचालय बना दिए, या तहसील में ही शौचालय नहीं है, बड़ी विडम्बना है ये। और इसके अलावा इनके सारे दरवाजे और खिड़कियाँ ये टूटी पड़ी है और यहाँ ना ही कोई चौकीदार है। इससे पहले कई बार यहाँ जो है चोरियाँ हो चुकी है और ना कोई सफाई कर्मचारी है। देखो बड़ी मतलब जिस मुद्दे को लेकर के राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सफाई का जो ये इतना जो है ना वाडम्बर करते हैं, लेकिन यहाँ ना शौचालय ना सफाई कर्मचारी है। रही बात बिजली की, बिजली जो है ये ग्रामीण फीडर के साथ इसको जोड़ रखे है, क्योंकि गाँव में हमें पता ही है कि बिजली आमतौर पर जाती रहती है। तो हमारी ये मांग है कि इसको जो ये पावर हाउस बिल्कुल नज़दीक है, डायरेक्ट पावर हाउस से यहाँ बिजली जोड़ी जाए। और अगला जो विशेष मुद्दा है वो ये है कि करप्शन है, हर तरीके का करप्शन है। उसके अंदर जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई वकील है, मजबूरी बस जब यहाँ इतना व्यापक भ्रष्टाचार है तो वो जो है ना पैसे का लेन देन जो सरेआम यहाँ चलता है। तो ईमानदारी से जो विरासत के इंतकाल हैं और हैं जो रूटीन के काम में जो होने चाहिए, उनमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। ये सरकार के नौकरों की, तहसीलदार की इनकी ड्यूटी है, लेकिन ये यहाँ तो नहीं हुए हैं। ये नौकर की ऐसे से नहीं, यहाँ ये फन्ने खांबड़े बैठे रहते हैं, ये अपने आप को साफ समझते हैं। तो इन तमाम तकलीफों के लिए आज है ये धरना रखा गया सांकेतिक फौरी तौर के ऊपर अभी, और अगर इन समस्याओं का जल्द अविलंब कोई अगर समाधान नहीं हुआ तो निश्चित तौर के ऊपर हम DC साहब का या यहाँ बड़ा प्रदर्शन या बड़ा हम धरना करेंगे और उसकी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी।